तो अभी चल रही है शाम की पार्टी, नमक पारे जो मैंने बनाए हैं इसकी रेसिपी मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगा। और ये आलू की भुजिया टाइप की नमकीन, ये भी बहुत अच्छी बनी है, इसकी भी रेसिपी मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगा। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये बनाए इन्होंने मधुबनी की कन्या की करेची कन्या चाय का टच है, चाय का टच है, चाय नहीं बने लो, चाय आने बन में से नहीं, चाय के ड्यूटी कहाँ की है, मेरा आज पेट में दर्द हो रहा है इसलिए मैं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पता नहीं, गर्मी की वजह से शायद। आपको इतनी गर्मी क्यों लगती है? आपको भी कम नहीं लगती है, आप ये बोल ही नहीं सकते हो, आपको मुझसे ज्यादा गर्मी लगती है। तो किसको ज्यादा गर्मी लगती है इसका एक चैलेंज करेंगे हम? नहीं, मुझे पता है आपको, तो ये चैलेंज में जीत चुका हूँ। काफी लोग कह रहे थे चैलेंज करो, तो मैं चैलेंज जीत। कैसे पता चलेगा कौन सा चैलेंज होता है कि किसको ज्यादा गर्मी लगती है, क्या करते हैं? गर्मी में खड़ा होना, जो पहले एसी ऑन कर देगा वो। इसमें मैं जीत जाऊंगी, आप आ जाओगे अंदर। कैसे जीत जाओगी? जब मुझे गर्मी लगी मैं एसी ऑन नहीं करूंगा। जैसे हम दोनों बालकनी में खड़े रहेंगे, ठीक है, और मान लो बहुत धूप निकली हुई है उस दिन, तो कौन अंदर आता है फैन में और एसी ऑन करेगा? इसमें मैं जीत जाऊंगी, मैं अंदर आऊंगी। तो गर्मी तो फिर मुझे ज्यादा लगी, तो यानी मैं जीत गया अगर अंदर नहीं आऊंगी तो। हाँ, तो अंदर नहीं आऊंगी तो मैं जीत गई ना, कि मैंने टॉलरेट कर लिया गर्मी। आप तो अंदर आ गए, टॉलरेट करना ही नहीं है ना, ये गेम ही टॉलरेट ना कर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? नमकीन खा रहा हूँ, साक्षी ने सारी नमकीन छोड़ दी है यहाँ पे। अच्छा, और ये टैंग लेके आई हूँ मैं, चाय नहीं बनाई हम दोनों में से किसी ने भी। चाय इतनी गर्मी है, मन नहीं कर रहा। चाय पीने के लिए तकरीबन आधा घंटा पहले एसी चलाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा मौसम ठीक लगेगा, उसके बाद चाय बनाओ। फिर आधा घंटा और एसी चलाओ, पीने के बाद फिर गर्मी लगी तो फिर आधा घंटे एसी चलाना पड़ेगा। तो पर्यावरण की खातिर हमने चाय नहीं बनाई, और आप भी पर्यावरण की रक्षा करिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, वृक्षारोपण करिए, एक पेड़ ही सही, दो पेड़ ही सही लगाइए जरूर, मानसून का सीजन है। मैं भी सोच रहा हूँ सैटरडे संडे थोड़े पेड़ लगा के कुछ ऐसा ही कुछ करा जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है नागरिक के हिसाब से, और पे और देश में काफ़ी चीज़ें चलती है, ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें हाईलाइटेड रहती है देश में, न्यूज़ चैनल पे ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें हाईलाइटेड होती है, कोई भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता कि गर्मी डबल बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, क्योंकि इनसे TRP नहीं आती इन सब चीज़ों पर, क्योंकि बेसिकली लोगों को TRP चाहिए, व्यूज़ चाहिए, उन लोग का चैनल देखिए ताकि उनके ऐड दिखे, ये सब होता है। तो ये सब हमें खुद करना चाहिए, आप जागरूक हैं और आप जागरूक बनिए, ये सब करिए, ये सब चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, और ये सब चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि अच्छी चीज़ों पॉजिटिव चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन नेगेटिव चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट आता है, लोगों को अच्छा लगता है नेगेटिव चीज़ें देखना, तो ये ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए आप वृक्षारोपण करिए, उससे होता क्या है आपका जो बाढ़ की समस्या हो वो भी अगर आप वृक्षारोपण अच्छे से तो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती। बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ की समस्या है, आसाम में बाढ़ की समस्या, हर साल बाढ़ आती है। अगर पेड़ पौधे अच्छे से लगे रहेंगे तो आपकी मिट्टी जो है उसमें सॉइल इरोजन नहीं होगा। अभी खिसकेगी नहीं, मतलब मिट्टी में जो है ना पानी काफ़ी कंट्रोल में रह जाएगा, वो सारी चीज़ें भी ठीक है, और ठंडक भी रहती है क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता रहता है, और ठंडक रहती है आपका, छाया रहती है, आप सड़क पर चल रहे हैं, आप पेड़ के नीचे से चलेंगे तो बहुत छाया मिलती है, बहुत राहत मिलती है। जितने हमारे मजदूर भाई बहन हैं जो
मजदूरी करते हैं उनको सड़क के किनारे बैठ के एक पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना आराम कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। पेड़ों से आपको फल फ्रूट भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बस नॉर्मल पेड़ लगाइए। अगर आपका बगीचा है फ्रूट वाले पेड़ लगा लीजिए, या घर के पास आम का पेड़ लगा लीजिए, जिस दिन बड़ा होगा आप ही आम खाएंगे उसके, या केले का पेड़ लगा लीजिए, वो एक लगाइए वो 10 अपने आप हो जाता है, उस पर केले निकलेंगे आप केले खा सकते हैं, केले तोड़ तोड़ के खाइए, वो आपकी एक तरीके से आपके काम भी आएगा। अमरूद का पेड़ लगा लीजिए, नीम का पेड़ लगा लीजिए, नीम बहुत काम आता है चीज़ों में, बहुत चीज़ों में काम आता है। तो ये सब पेड़ है जो काफ़ी आपके काम आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। झा जी ने आज दिया है एक बहुत ही अच्छा संदेश। मैं संदेश देने पे आ जाऊँ तो एक चैनल मुझे संदेश भी बना सकता हूँ मैं आराम से। अपने चैनल पे दिया करो ना, वो जो है ऑलरेडी मेरे को टाइम नहीं मिलता, जाहिर सी बात है, वीडियो बनाना, वीडियो को एडिट करना, डेली अपलोड करना, कमेंट्स पे रिप्लाई करना, उसी में काफ़ी टाइम चला जाता है। मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे मेरे उसमें चले जाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम देना मुश्किल है, उससे ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता। तो इसी में जितना ज्ञान है मैं दे सकता हूँ, तो जो भी बोला है ज़रूर करिए, ताकि हम तो नेता आदमी हैं, कितना भी ज्ञान दिलवा लो, जिस भी चीज़ों को भाषण दिलवा लो। बिल्कुल, और इसी बात पर मैं बताना चाहूँगी, ये संडे ही ना बारिश में भी कोई मीटिंग थी इनकी, उसमें चले गए थे। जाना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वही है, तो इसी एक अच्छे थॉट के साथ एक पॉजिटिव मोड पर करते हैं इसको एंड। और मैंने जो भी बोला उसको ध्यान से सुनिए, और बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, ताकि उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले करने की, झिझक ना रहे उनके मन में कि ये चीज़ करना अच्छी है या नहीं है। ज़रूर करवाइए, खुद भी करिए, बच्चों से भी करवाइए। मानसून का टाइम है, पेड़ लगाइए, काफ़ी अच्छा मौसम है, मतलब ये ऐसा टाइम है आपको पानी देने की टेंशन नहीं है, अपने आप पानी डल जाता है 2-3 दिन पर कभी ना। दिल्ली की मैं बात करूँ तो हाँ, दिल्ली में बारिश की कमी रहती है, लेकिन गांव साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें अच्छी बारिश होती है। शहरों का मैं मान सकता हूँ कि हाँ, जगह नहीं होती, बारिश कम होती है, कुछ शहरों में तो बारिश पर्याप्त मात्रा में भी होती है, दिल्ली NCR में इतनी नहीं होती है, वो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे 1 दिन बारिश होती है, 2 दिन बारिश होती है, उसके बाद हफ्ता भर आपका नमी वाला मौसम रहता है। एक दिन बारिश हुई बस यहाँ पे। तो मौसम के मामले में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मेरे ख्याल से केरला, महाराष्ट्र भी, ये सारे बहुत ह्यूमिड एरियाज़ है। महाराष्ट्र में बारिश के मामले में तो बारिश हो जाती है वहाँ पे, तो ह्यूमिडिटी ही इंक्रीज होती है ना, लेकिन मतलब चिपचिप ही रहता है वहाँ। अच्छा, प्लांटेशन के लिए अच्छा है, हरियाली अच्छी रहती है, और भी स्टेट्स है जिनमें अच्छा रहता है। तो जो भी आप कहीं से भी, आप जो भी है, लेकिन इतनी गर्मी में भी लोग बाहर खेल रहे हैं, देखो डिटर्मिनेशन भी होता है। मैं भी इतनी गर्मी में खेला करता था, मेरी भी पूरी टी शर्ट भीग जाती थी। तो जितना हो पाता है करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टैंक पियो, नमकीन खाओ, एंड बाय।